नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब कनाडा से आ रही है। खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाने वाला कनाडा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे खालिस्तान की मांग जो है वो पंजाब को लेकर है। पंजाब के आसपास का इलाका, जो हरियाणा से थोड़ा सा हरियाणा का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वो एरिया देखिए खालिस्तान जो है बनाना चाहते हैं। अब देखिए कि क्योंकि खालिस्तान भारत में तो आवाज उसकी उठने से रही, हाँ, हालांकि पंजाब में देखिए इसकी आवाज उठती रहती है क्योंकि इस वक्त वहां पे आपकी सरकार है और आपकी सरकार पर बार बार देखिए ऐसे आरोप लगते रहे कि वो प्रो खालिस्तान, यानी कि खालिस्तान की आवाज को वो बढ़ावा देते हैं। अब देखिए सनसनी खबर ये निकल कर आ रही है कि जो कैनेडा में खालिस्तानी गढ़ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गढ़ है वहां पे कैनेडा खालिस्तानियों का, वहां पे जो ये खालिस्तान की मांग थी अब एंटी हिंदू मांग हो गई है। क्यों? क्योंकि जो स्वामी नारायण मंदिर है, जो अक्षरधाम स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो टोरंटो कनाडा में, कनाडा की जो राजधानी में है, तो उस पर देखिए कि वहां तोड़फोड़ की गई है खालिस्तानियों द्वारा और वहां पे खालिस्तान के स्लोगन लगाए गए हैं, यानी कि खालिस्तान के नारे वहां पे लगाए गए हैं और लिखा भी गया है। तो साफ साफ देखिए यहाँ पे जो ये खालिस्तान का मांग है वो अब हिंदू विरोधी मांग हो गई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई आप ही बताइए यहाँ पे कि अगर किसी को देश चाहिए तो हिंदुओं से क्यों नफरत की, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बात का भी। क्योंकि अगर आपको देश चाहिए तो आप सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन स्वामी नारायण मंदिर तोड़ के आपको कौन सा देश मिल जाएगा, ये आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल बताइए कि क्या खालिस्तानियों की जो एक काम है कि हिंदुओं का मंदिर तोड़ने से क्या खालिस्तान मिल जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन है, जो भारतीय दूतावास है, उसने जानकारी देके अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की थी और बोला था कि इसकी जो मांग है, जो खालिस्तान की मांग है, देखो ये तो सफल होने से रही, लेकिन जो एक कृत्य किया गया है खालिस्तानियों द्वारा, ये देखिए बिल्कुल हम इसकी जांच करवाएंगे। और कनाडा सरकार को देखिए बिल्कुल धमकी दे दी है कि देखिए आप या तो जांच करिए या फिर देखिए हम एक्शन लेंगे इस पे। तो अब देखना ही होगा कि जो खालिस्तानियों ने मंदिर को तोड़ा है और जो खालिस्तानी नारे लगाए हैं वहां पे, इसकी जांच कहां तक आगे बढ़ती है और कौन कौन पकड़ा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।